अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मेरा नाम जहीरुद्दीन बाबर, आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज फिर मैं एक वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ, दो टॉपिक पे लेके आया हूँ। एक तो जो लोग विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं रिकैलिब्रेशन, मतलब वो फिंगरप्रिंट करवा सकते हैं, यानी अपना वीज़ा विजिट वीज़े पर आके अपना मलेशिया में वीज़ा लगवा सकते हैं, यानी दूसरा जो लोग जिन लोगों ने अपना वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ था मलेशिया के लिए उनके वीज़े की क्या सूरत हाल है, वो वीज़े ओपन हुए हैं कि नहीं हुए, तो इस दो टॉपिक पर बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप दोस्तों से वीज़ा जो मलेशिया ने ओपन किए हुए हैं इस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, असल में लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है एजेंट की तरफ से, ठीक है ना, कि मलेशिया ने वीज़े बंद किए हुए हैं और वीज़े नहीं लग रहे। ठीक है ना, यहाँ दो बातें शेयर होती हैं। ठीक है, पहला एक के जो मलेशिया से जो कंपनी मालिकान है जिन्होंने कोटा लिया हुआ था, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती, फिर वो मैसेज यही करते हैं कि वीज़े ओपन है कि नहीं ओपन। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, अभी क्लियर करूँगा आप दोस्तों को। दो तरीके होते हैं मलेशिया वर्क वीज़े पर आने के लिए, और वो दो तरीके जो जहाँ मलेशियन जो यहाँ की कंपनी के बॉस हैं वो अप्लाई करते हैं, एक जो नया कोटा ओपन होता है उस पर अप्लाई करते हैं और दूसरा जो उनके पास कोटा पड़ा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मलेशिया ने 2023 का जो पुराना कोटा था वही ओपन किया, 2024 आएगा नया कोटे के बारे में फिर वो सोचेंगे बताएंगे कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग मलेशिया में आने चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जो 2023 का कोटा है अभी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, सही है ना, लोग आ रहे हैं मलेशिया हर सेक्टर पर, जो तकरीबन चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का है, प्लांटेशन का है, चाहे जो भी है, तमाम सेक्टर के वीज़े ओपन हैं। और यहाँ मैं आप दोस्तों को एक और भी क्लियर कर दूँ, जहाँ मलेशिया में सबसे जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं चाहे वो सर्विस सेक्टर का है, आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा पीछे लोग बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, यार आज़ाद वीज़ा अगर आप कंस्ट्रक्शन के आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के तमाम जितने काम हैं आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के वीज़े पर, ठीक है, उसको आज़ाद बोलते हैं। आज़ाद पासपोर्ट आपके पास है, सिर्फ उस बॉस से आपने रीन्यू करवाना है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे वीज़े होते हैं जो कंपनी के अंडर में होते हैं, वो पासपोर्ट बॉस के पास होते हैं और वो आपके रीन्यू के पैसे जो लेवी होती है वो बॉस अदा करता है, वो आपको नहीं अदा करनी है। जो आज़ाद होते हैं पासपोर्ट आपके पास होते हैं, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है, दोस्तों पासपोर्ट आपके पास हो तो उसको आज़ाद वीज़ा ही बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब आप जब चाहे मर्जी से अपने कंट्री वापस जा सकते हैं और जब चाहे आप वहाँ से टिकट कटा के वापस आ सकते हैं, ठीक है, उसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, आज़ाद वीज़े में ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मलेशिया के सारे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आज़ाद वीज़ा अगर आप कंस्ट्रक्शन गए तो कंस्ट्रक्शन में जितने डिपार्टमेंट हैं वो आप काम कर सकते हैं। फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लंबी हो जाएगी, बात कर रहा था वीज़े के बारे में, तो मलेशिया में जो कोटे लिए हुए हैं कंपनियों ने वो फ़ौक्तन वर्करों को बुला रहे हैं। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, सबसे ज़्यादा अभी मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो वर्कर हैं चाहे वो प्लांटेशन है या कंस्ट्रक्शन के हैं चाहे सर्विस सेक्टर के हैं, आप बाज़ारों में आप जो जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए हैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन में देखें, वहाँ प्लांटेशन जो बाघों का काम होता है, जैसे पाम ऑयल के बड़े बड़े बाग हैं वहाँ जो काम होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कसीर तादाद में बांग्लादेश के लोग हैं, और बांग्लादेश के लोग ही ज़्यादा मलेशिया आ रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था इंडोनेशिया के लोग ज़्यादा आते थे, पाकिस्तान नेपाल इंडिया के जो लोग होते हैं वो कम आते हैं बांग्लादेश और इंडोनेशिया की निस्बत। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं, फिर बात दूसरी तरफ चली जाती है, आप बोलेंगे यार आप किधर चलें, बीच में बातें ऐसी आ जाती हैं। ठीक है, तो जो लोग मलेशिया जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूँ, अपने एजेंट से क्लियर करें, क्योंकि जहाँ एजेंट फिल्में डालते हैं वो बोलते हैं कि वीज़े ओपन नहीं हैं, बंद किए हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोटा नहीं है, उनके पास वीज़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग, मैंने पीछे वीडियो भी बनाई है, जो लोग मलेशिया आ रहे हैं वीज़े 100% मलेशिया के ओपन है, हर सेक्टर का वीज़ा ओपन है और तमाम सेक्टर के लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो बांग्लादेश के आ रहे हैं हर सेक्टर में। ठीक है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ कोई वीज़े बंद नहीं है, सब वीज़े ओपन है। ठीक है, वीज़े जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं अपने एजेंट से क्लियर करें कि जो कोटा आपने 2023 का है वो क्लियर करें मलेशियन बॉस से कि वो कोटा है या नहीं। ठीक है ना, बेवकूफ़ मत बनाएं लोगों को, और पैसे दो दो छः छः महीने हो गए लोगों ने मेडिकल करवाए उनके वीज़े नहीं आए, वजह क्या है
उनके एजेंटों के पास वीजे नहीं है, ठीक है ना। वो यही ड्रामा आपको रचा रहे हैं कि एशिया गवर्नमेंट ने वीज़े बंद किए हुए, ऐसा कोई सीन नहीं है, वीज़े ओपन है। हम खुद मलेशिया में रहते हैं और यहाँ लोग आ रहे हैं। सारी बातें आप दोस्तों से शेयर किए, कितने लोगों के इंटरव्यू लेके मैंने आप दोस्तों से शेयर किए कि यार 100% वीज़े ओपन है, लोग मेडिकल करवा के और दो दो तीन तीन महीनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि मलेशिया की कोई कॉलिंग बंद नहीं है, तमाम सेक्टर के वीज़े। तो अभी बात कर लेता हूँ आरटीके 2 पर, ठीक है। पीछे बहुत सारी वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि 2023 की जो रैली के रिकैलिब्रेस ये जो यहाँ के एजेंटों ने ख्वाह उठाई हुई थी, या टिकटॉक पे ऐसे लोग जो एक्टिव थे जो कह रहे थे 2023 के वीज़े लग रहे हैं, जो लोग विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोगों से स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ। और लास्ट पे फिर आखिर इमिग्रेशन ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर ही दिया कि जो 2023 में लोग आए हैं उनके वीज़े नहीं लगेंगे। जब जनवरी 2023 में इन्होंने ऐलान किया था कि जो लोग मलेशिया में इंटर हो चुके हैं और अवस्टे हो चुके हैं उनके लिए आरटीके 2.0 का जो प्रोग्राम है उसमें वो हिस्सा लेके वीज़े लगवा सकती हैं, तो उस टाइम बहुत सारे एजेंटों ने जो 2023 में लोग आए थे उनको मतलब ज़्यादा स्कैम किया, उनके साथ फ्रॉड किया और उनसे पैसे इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था। आरटीके 2.0 में ये ऐलान हुआ था कि जो लोग मलेशिया में अवस्टे हो चुके हैं 2022 में आए थे उनके वीज़े लगे हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रोग्राम जिनके वीज़े प्रोसेस में और वो भी फाइनली लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ऐलान हुआ था ये 31 दिसंबर 2023 तक किया गया था, ठीक है ना। ये फिर यहाँ मलेशिया में कुछ पाकिस्तान में ऐसे एजेंट एक्टिव हो गए थे जो लोगों को वहाँ से जहाज बार बार के विजिट वीज़े पे भेज रहे थे और ये बोल रहे कि हम आपके वीज़े लगवाएंगे कि 31 दिसंबर 2023 तक सिर्फ जो अवस्टे 2022 वाले थे उनके लिए ये प्रोग्राम है, जो 2023 में आ रहे हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई रिकैलिब्रेशन नहीं है, कोई उनके वीज़े नहीं लगेंगे। आने वाले टाइम में कोई पता नहीं कि किस टाइम मलेशिया गवर्नमेंट ऐलान दोबारा कर दे 2023 वालों के लिए। फिलहाल उन्होंने ये नोटिस जारी किया है कि ये सिर्फ अवस्टे 2022 वालों के लिए है और वो वीज़े लगवा सकते हैं। 2023 में जितने लोग आए हैं किसी का वीज़ा नहीं लगेगा, ये उन्होंने लास्ट पे क्लियर कर दिया। अभी आपने किसी एजेंट जो पाकिस्तान में चाहे मलेशिया में किसी एजेंट के आप हाथ नहीं आना, किसी को पासपोर्ट नहीं देना, किसी को आपने पैसे नहीं देने। मलेशिया इमिग्रेशन ने खुद ऐलान कर दिया अब आप लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर आपको एजेंट बोल रहे हैं कि हम दो तरीके से मतलब दो नंबर से पैसा दे के लगवा लेंगे तो वो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है आप केस भी नहीं कर सकते, यहाँ किसी तरीके से भी आप वो पैसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप किसी थाने में क्योंकि आप पहले अवस्टे होंगे तो आप केस उस बंदे पर कर नहीं सकते। और बहुत सारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो अवस्टे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो जो एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं उन पर वो केस भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ के एजेंट उठाते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचें। यहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है आप लोगों को जो 2023 में आए फिलहाल अभी उनके वीज़े नहीं लगेंगे, तो कुछ सब्र कर जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चले जाएं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप कोई और कदम उठाएं। यार अगर आप आ गए तो अभी थोड़ा सब्र कर जाएं, अल्लाह करेगा, कोई पता नहीं है कब इमिग्रेशन ये भी ऐलान कर दे। जैसे 2022 वालों का ऐलान किया था, अभी ये साल एंड होने वाला है तो शायद 2023 में जो लोग आए उनके लिए कोई अच्छी खबर आ जाए वीज़े के लिए, तो थोड़ा सब्र कर जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों का भी ज़रूर वीज़ा लगेगा। रही बात जो आउट पास है, अभी तक इन्होंने फिलहाल ओपन नहीं किए, जैसे ही ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों से वीडियो शेयर कर दूंगा। लास्ट से मैं आप लोगों को एक और पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा मलेशिया इमिग्रेशन ने ये भी ऐलान किया, जेपीजे जो पुलिस है, कि इस महीने में हम बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक लगा रहे हैं और जो गैर कानूनी तरीके से मोटरसाइकिल गाड़ियाँ रखी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो अब उन पर बहुत भारी जुर्माना भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से इंटरनेशनल पास लाइसेंस बनवा के लेके आते हैं लेकिन वो एक महीने के लिए चल जाता है, एक महीने से ऊपर नहीं चलता। इसलिए अभी मैं आप दोस्तों से ये खबर मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि इस महीने से पहली तारीख से इन्होंने जगह जगह पे रोड ब्लॉक लगाना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ रही हैं। इसमें तकरीबन हर कंट्री के लोगों को पकड़े हैं जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, मोटरसाइकिल के लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के पेपर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उन लोगों को बाहरी जुर्माना हो रहा है। तो दोस्तों जो भी मलेशिया में लोग रह रहे हैं तो अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है तो ये महीना आप सब्र कर जाएं और कोशिश करें यहाँ से आप लाइसेंस बनवाएं, आप जेपीजे में जाके लाइसेंस बनवाएं और 2 साल के लिए
ये लाइसेंस बनता है, आपके लिए भी सहूलत है। कंट्री में लोग जाते हैं, वहाँ के कानून कायदे को थोड़ा फॉलो करें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि काफ़ी मैसेज लोग आ रहे थे कि 2023 वालों का ऐलान हो गया, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। और वीज़े के बारे में जो लोग पूछ रहे थे, मैं क्लियर कर दूँ, वीज़ा मलेशिया के ओपन है, किसी सेक्टर का भी वीज़ा बंद नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपने एजेंडा एक्सटेंड करूँगा और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप दोस्तों को समझ आई होगी। जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो को उनको दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका भी दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।